मीठे बच्चे, खुशी जैसी खुराक नहीं, तो खुशी में चलते फिरते पैदल करते, पता है ना बाबा माउंट अबू से अबू रोड तक पैदल बाबा खुद गया, लेके गया, फिर वापस आया, पेठे लेके आया, अबू रोड तक, गए अबू रोड से वापस आए। तुम खुशी में चलते फिरते पैदल करते बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। प्रश्न, कोई भी कर्म विकर्म न बने, उसकी युक्ति क्या है? उत्तर, विकर्मों से बचने का साधन है श्रीमत। विकर्मों से बचने का, नोट करो दिल में, विकर्मों से बचने का साधन है श्रीमत। बाप की जो पहली श्रीमत है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इस श्रीमत पर चलो, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो, श्रीमत पर चलो तो तुम विक्रमांजीत बन जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चे, आजकल एक क्वेश्चन आता है, वैसे दो क्वेश्चन आता था ना, एक ही क्वेश्चन में बहुत ऊंचा है। ओम, रूहानी बच्चे यहाँ भी बैठे हैं, अब सब सेंटर्स पर भी बैठे हैं, सब बच्चे जानते हैं रूहानी बाबा आया हुआ है। कल क्या सुना? अभी दोनों इस बाप को देखा तो तीसरा, पहला वाला जो बाप था ना, वो लौकिक ऐसे हो गया, सामने वो बाप आ गए, एक थोड़ी आया, दो आया, शिव बाबा आया, ब्रह्मा बाबा आया, तो ये जो था पहला वो तीसरा हो गया, ये ऐसे हो गया, ऐसे किसका हुआ है लौकिक, ऐसे हो गया, सामने कौन आया? कल सारा दिन किसको ये याद रहा? बोली सुनी, याद किसको रहा ये? रूहानी बाबा आया हुआ है, वह हम कुछ पुरानी छीछी पति दुनिया से पर घर ले जाएंगे। बाप आए ही है पावन बनाने, और आत्माओं से ही बात करते हैं, आत्मा ही कानों से सुनती है। बाप को अपना शरीर तो है नहीं, इसलिए बाप कहते हैं मैं शरीर के आधार से अपनी पहचान देता हूँ, इस शरीर के आधार से अपनी पहचान देता हूँ, मैं इसे साधारण तन में आकर, ये अच्छी तरह से साकार मूल्य से सारा, कौन पर आता है, क्या पर आता है, कैसे पर आता है। अगर तुम बच्चों को पावन बनने की युक्ति बताता हूँ, वह भी हर कल पाकर तुमको यह युक्ति बतलाता हूँ। इस रावण राज में तुम कितने दुखी बन पड़े, रावण राज शोक वाटिका में तुम हो, कलयुग को कहा जाता है दुख धाम, सुखधाम है कृष्णपुरी स्वर्ग, वह तो अभी है नहीं। बच्चे अच्छी जानते हैं कभी बाबा आया हुआ है हमको पढ़ाने के लिए, बाप कहते हैं तुम घर में भी स्कूल बना सकते हो, सिर्फ पावन बनना और बनाना है।
पहले बनना है पर बनाना है। तुम पावन बनेंगे तो फिर दुनिया ही पावन बन जाएंगी। अभी तो यह भ्रष्टाचारी पतित दुनिया है, अभी यह रावण की राजधानी। इन बातों को जो अच्छी समझते हैं वह फिर औरों को भी समझाते हैं। बाप तो सिर्फ कहते हैं, बच्चे अपन को आत्मा समझ में जो बाप को याद करो, औरों को भी ऐसे ही समझाओ बाप आया हुआ है। देखो अब हमको भी कहता है बनना है, औरों को कैसे समझाओ, इब सेवा भी बता रहा है। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। कोई भी आसुरी कर्म नहीं करो, अभी सीखा, कोई भी आसुरी कर्म नहीं करो, माया तुमसे छीछी कर्म कराएंगी। माया छीछी कर्म कराएंगी, वह कर्म जरूर विकर्म ही बनेगा, वो कर्म विक्रम बनेगा। पहले नंबर में जो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी, यह भी तो माया ने कहलवाया ना। माया तुमसे हर बात में विक्रम कराएंगी। आज मंगलवार है, बाबा को हम कहते आज बाबा मंगलम भगवान विष्णु का दिन आया है। बोली मंगलवार बाबा सबकी ग्रहचारी उतर जाए एकदम, हाँ बैठ ना जाए, मंगल का ग्रह करा होता है। हाँ। माया तुमसे हर बात में विकर्मी कराएंगी, कर्म अकर्म विकर्म का राज भी समझाया है श्रीमत पर। तुम आधा कल्प सुख भोगते हो, श्रीमत पर ताकत आ गई ना माया को जीतने की। आधा कल्प तुम सुख भोगते हो, आधा कल्प फिर रावण के मत पर दुख भोगते हो। इस रावण राज में तुम जो भक्ति भी करते हो उनसे नीचे ही उतरते आए हो। तुम इन बातों को नहीं जानते थे, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि थे। पत्थर बुद्धि गाते तो है ना, भक्ति मार्ग में भी कहते हैं हे ईश्वर इनको अच्छी बुद्धि दो। तो ये लड़ाई बंद कर, लड़ाई अब बंद करे। तुम जे जानते हो, तुम जे जानते हो बाबा तुम बच्चों को अच्छी बुद्धि दे रहा है, समझा, बाबा तुम बच्चों को अच्छी बुद्धि दे रहे हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चों तुम्हारी आत्मा जो पतित बनी है उनको पावन बनाना है याद की यात्रा से। घूमो फिरो बाबा के याद में, तुम कितना भी पैदल करके जाएंगे तुमको शरीर भूल जाएगा। गाया जाता है ना, खुशी जैसी खुराक नहीं। मनुष्य धन कमाने के लिए कितना दूर दूर खुशी से जाते हैं, यहां तुम कितने धनवान बनते हो। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प, देखो बाबा हर मुरली में कितना बारी कहते हैं बाप कहते हैं, चलन मुख ये इसका कहते हैं बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प आकर तुम आत्माओं को अपना परिचय देता हूं। इस समय सब पतित है, जो बुलाते रहते हैं
कि पावन बनाने के लिए आओ, आत्मा ही बाप को बुलाती है रावण राज्य में। शोक वाटिका में सब दुख है, सभी दुखी है। रावण राज सारी दुनिया में है कोई कोना खाली? रावण राज सारी दुनिया में है। इस समय है ही तमो प्रधान सृष्टि, सत्तो प्रधान देवताओं के चित्र खड़े है, गायन भी उन्हों का है। शांति धाम सुख धाम जाने के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। ये थोड़ी जानते हैं भगवान कैसे आकर भक्ति का फल हमको देगा, नहीं जानते हैं। तुम अभी समझते हो, हमको अभी भगवान भक्ति का फल दे रहा है। भगवान हमको भक्ति का फल दे रहा है। भक्ति के दो फल है, एक है मुक्ति, फ्री हो गए विकारों से, बुराइयों से, कमजोरियों से, मुक्ति फल मिला। फिर है जीवन मुक्ति। ये समझने की बातें हैं ना, अभी ये समझा रहा है, शिक्षा भी मिली, अब ये समझा रहा है मुक्ति और जीवन मुक्ति। जिन्होंने शुरू से लेकर बहुत भक्ति की होंगी वे ज्ञान अच्छी रीति लेंगे, फल भी अच्छा पाएंगे। भक्ति कम की होंगी तो ज्ञान भी कम लेंगे, फल भी कम पाएंगे। हिसाब है ना। और किसी ने बाबा से पूछा भी था, बाबा इस जन्म में तो मैंने भक्ति की नहीं थी, समझा? तो बाबा ने कहा पूरे जन्म में की होंगे अच्छी, तो विक्रम तो नहीं किया ना इस जन्म में। किसी ने बाबा से साकार की बात है, भाई छोटेपन में आए, भक्ति भक्ति इतना नहीं की थी, जल्दी बाबा के पास आ गए, क्या पूर्व जन्म में बच्ची भक्ति की थी, अच्छा खराब कर्म तो नहीं किया था ना। और सच्ची भक्ति का अंतिम जन्म में भी रैम सच्चाई और प्रेम भाव होगा, तीन निशानियां है। भगत आत्मा, सच्चा भगत आत्मा, सच्ची भगत, ठग भगत कोई ठगत भी होते हैं, घंटी बजाने वाले, भगवान से पैसा मांगने वाले, पोजीशन मांगने वाले, वो भगत नहीं है। सच्चे भगत कहेंगे कि बुद्धि अच्छी हो, दूसरा दया रहम स्नेह सच्चाई होंगी। ऐसे नहीं कोई भूख मरता हो खाता रहे, कभी नहीं करेगा। औरों पर पहले सबको, अच्छे कर्म करने के लिए उसकी दिल बड़ी खुली दिल होंगी। हिसाब है, नंबर वार पद है ना। बाबा कहते हैं मेरा बन करके जो विकार में गिरा तो बिल्कुल ही गटर में गिर जाते हैं, बुद्धि बिल्कुल सुधरती नहीं है। फिर तो आज मैं सब बात सुना दूं, ऐसे ही कोई आत्मा बाबा कहता तब बहुत समय वैश्या होकर के रही है ना, वो जन्म वैश्या का जन्म हुआ होगा, तभी इस समय सुधरते नहीं है। ऐसे भी बाबा ने राह समझा दिए। तो अंदर से आता है तो भगवान कितना सब समझा करके हमको पावन बनाने की मेहनत करता है। बुद्धि बिल्कुल सुधरती नहीं है,
कोई को दिल अंदर खाता है, दुख भी होता है। हमने भगवान से प्रतिज्ञा की है, फिर उनको धोखा दे दिया, विकार में गिर पड़ा, बाप का हाथ छोड़ आया, माया का बन पड़ा, फिर वो और ही वायुमंडल खराब कर देते हैं तो श्रापित हो जाते हैं। बाबा के साथ धर्मराज भी तो है ना, उसमें पता नहीं पड़ता है कि हम क्या करते हैं, बाद में पश्चाताप करते हैं, नायक उनको मारा किसी को, गुस्से के में आकर किसको मारते भी है, ढेर समाचार अखबारों में पढ़ते हैं, तुम तो अखबार पढ़ते नहीं हो, दुनिया में क्या क्या हो रहा है तुमको मालूम नहीं पड़ता है, दिन प्रतिदिन हालतें खराब होती जाती है, सीढ़ी नीचे उतरनी ही है, तुम इस ड्रामा के राज को जानते हो, बुद्धि में ये बात है, अब तुम्हारी बुद्धि में ये बात है, ड्रामा को जानते हो ना, तुम्हारी ही बुद्धि में ये बात है, हम बाबा को याद करें, दुनिया की हालतें क्या क्या है, तुम्हारी ही बुद्धि में हो, हम एक बाबा को याद करें, कोई भी ऐसे छीछी कर्तव्य न करें जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। बाप कहते हैं, ऊपर सुनना धर्मराज है, बाप कहते मैं तो टीचर हूं ना, टीचर के पास स्टूडेंट के पढ़ाई का और चाल चलन का सब रिकॉर्ड रहता है, कोई की चाल चलन बहुत अच्छी है, कोई की कम है, कोई को बिल्कुल खराब है, नंबर वार तो होते हैं ना, यह भी सुप्रीम बाप है, कितना ऊंच पढ़ाते हैं, वह भी हरे के चाल चलन को जानते हैं, तुम खुद भी जान सकते हो, हमारे में ये आदत है, इस कारण फेल हो जाएंगे। बाबा हर बात क्लियर समझाते हैं, पूरी रीत पराई नहीं पढ़ेंगे, किसी को दुख देंगे, दुखी होकर के मरेंगे, सीधा समझा रहा है, पद भी भ्रष्ट होगा, सजाएं भी बहुत खाएंगे, मीठे बच्चे सावधानी दी फिर प्यार करता है, मीठे बच्चे अपने और दूसरों की तकदीर बनाने के लिए रहम दिल बनने का संस्कार धारण करो, रहम दिल बनने का संस्कार धारण करो, जैसे बाप रहम दिल है, जैसे बाप रहम दिल है तब तुमको टीचर बन करके पढ़ा रहा है। कोई बच्चे अच्छी पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, इसमें रहम दिल बनना होता है ना, अच्छी तरह पढ़ना पढ़ाना रहम दिल बनना होता है, टीचर रहम दिल है ना, कमाई का रास्ता बताता है कि कैसे अच्छा पोजीशन तुम पा सकते हो, पढ़ा करके कमाई का रास्ता माना अच्छा पोजीशन तुम पा सकते हो, उस पढ़ाई में तो अनेक प्रकार के टीचर्स होते हैं, या तो एक ही टीचर है, पढ़ाई भी एक ही है, मनुष्य से देवता बनने की, इसमें मुख्य है पवित्रता की बात,
पौत्रता ही सब मांगते हैं। बाप तो रास्ता बता रहे हैं, पर जिनके तकदीर में नहीं है तो तदबीर के क्या कर सकते। ऊंच मार्क्स पाने का ही नहीं है तो टीचर तदबीर भी क्या करे। ये बेहद का टीचर है ना। बाप कहते हैं तुमको और कोई सृष्टि की आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा नहीं सकेगा। सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री और ज्योग्राफी कोई नहीं बता सकते। तुमको हर एक बात बेहदकियाँ समझाई जाती है। तुम्हारा है बेहद का वैराग। अभी अभी करना क्या है? वैराग। समझारी मिली ना, आया वैराग। यह भी तुमको सिखलाते हैं। जब पतित दुनिया का विनाश पावन दुनिया की स्थापना होनी ही है। पतित दुनिया का विनाश पावन दुनिया की स्थापना होनी है। सन्यासी तो है निवृत्ति मार्ग वाले, वास्तव में उन लोगों को तो जंगल में रहना है। पहले पहले ऋषि मुनिया जंगल में रहते थे, उनमें सत्व प्रधानता की ताकत थी जो मनुष्यों को खींचती थी। कहाँ कहाँ कुटियाओं में भी उनको जाकर भोजन पहुंचाते थे। परंतु फिर बाबा देखो, सन्यासियों की कब मंदिर नहीं बनते हैं। मंदिर देवताओं के बनते हैं। हमारे वैराग उनके वैराग में कितना फर्क। चलो उनको खाना मिलेगा दूर बैठे, पर मंदिर नहीं उनके बनते हैं। मंदिर तो देवताओं के बनते हैं। तुम कोई भक्ति नहीं करते हो, तुम योग में रहते हो। उनका तो ज्ञान ही है ब्रह्म तत्व को याद करने का, बस ब्रह्म में लीन हो जाए। परंतु सवाय बाप के वहां कोई ले नहीं जा सकता। यह समझानी देखना, समझानी शिक्षा सावधानी। बाप आते ये संगम युग पर आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। बाकी सबकी आत्माएं वापस चली जाती है, क्यों तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए ना। पुरानी दुनिया का कोई भी रहना नहीं चाहिए यहाँ। ये ड्रामा की नूंद है। तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए, पुरानी दुनिया का कुछ भी यहाँ रहना नहीं चाहिए। तुम सारी विश्व के मालिक बनते हो, यह तो तुम जानते हो। जब हमारा राज्य था तो सारे विश्व पर हम ही थे। दूसरा कोई खंड नहीं था। वहां तो जमीन बहुत रहती है, यहां तो जमीन कितनी है जो समुद्र सुखा करके जमीन करते रहते हैं। क्यों? मनुष्य बढ़ते जाते हैं। ये जमीन सुखाना विलायत वालों से सीखे है। बॉम्बे पहले क्या था? निमरा बहन के होते तक क्या पहले आप पहले पहले हम 12 वर्ष की उम्र में गई थी बॉम्बे। तो मरीन लाइन थी, सिर्फ मरीन ड्राइव नहीं था। जब छोटे बर में गई थी बॉम्बे। बॉम्बे क्या है? सिंगापुर क्या है? पहले बॉम्बे क्या था? फिर भी नहीं रहेगा बाबा, तो अनुभवी है ना।
समझो अर्थ की होती है, वहाँ मूसलधार बरसात होती है, फिर क्या करेंगे? बह तो निकल ही सकेंगे, वो हुआ भी तो रहा। नेचर कैलेमिटीज तो बहुत आएंगी, नहीं तो इतना विनाश कैसे होगा? सत्युग में तो सिर्फ थोड़े भारतवासी होते हैं, आज क्या है कल क्या होगा? ऐसे तुम बच्चे जानते हो, ये ज्ञान और कोई दे न सके। बाप कहते तुम पतित बने हो, इसलिए अब मुझे बुलाते हो कि अगर पावन बनाओ तो जरूर आएंगे, तब तो पावन दुनिया स्थापन होंगी ना। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, कभी सचमुच अपना उन्नति करने के लिए बैठ करके लिखना चाहिए। बाबा ने क्या क्या समझाने, कितनी समझाएं दी, सारा लिखते ना अंदर से बड़ा अंदर, और सब बातें भूल जाती मैं, इतनी ऊंची ऊंची अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें, कितनी समझाई है बाबा ने। तुम बच्चे जानते बाबा आया हुआ है, युक्ति कितनी अच्छी बतलाते हैं। भगवानों वाच है, अभी सुनो, भगवानों वाच है मन मना भव है, दे सैत दे के सभी संबंधों को टोर, माँ में कम याद करो। इसमें ही मेहनत है, ज्ञान तो बहुत सहज है, छोटा बच्चा भी झट याद कर लेगा। ज्ञान तो सहज है, छोटा बच्चा भी याद कर लेगा, बाकी अपन को आत्मा समझ, बाप को याद कैसे करें, वह इम्पॉसिबल है। बच्चा बेचारा ये नहीं कर सकता, आत्मा हूँ बाबा को ऐसे याद करूँ, जैसे बड़ों के बुद्धि में ही नहीं ठहर सकता तो छोटे फिर कैसे याद कर सकेंगे? पर शिव बाबा कहे भी बंधु है तो बेचारे बेसमझ ना। हम भी बिंदी, बाबा भी बिंदी, ये स्मृति में रहना बड़ा मुश्किल है भाई। सुनो, बाबा भी बिंदी हम भी बिंदी, ये स्मृति रहे, यह है यथार्थ रीत याद करना। ये 3 दिन मिला है, बाबा को अपनी ऐसी सूरत दिखाने के लिए बाबा अभी समझा। मोटी चीज तो नहीं है ना, बाप कहते यथार्थ रूप में मैं बिंदी हूं, इसलिए जो हूं जैसा हूं वही स्मरण करो, यही मेहनत है। मैं जो हूं जैसा हूं यही स्मरण करो, वही मेहनत है। मैं तो कह देते परमात्मा ब्रह्म तत्व है और हम कहते एकदम बिंदी है, रात दिन का फर्क है ना। ब्रह्म तत्व जहां आत्माएं रहती है उनको परमात्मा कह देते हैं, बुद्धि में ये रहना चाहिए मैं आत्मा हूं बाबा का बच्चा हूं। ये बात बड़े बड़े महात्माओं को जब सुनाते हैं तब उनके कान खुलते हैं, बड़ा धीरे से बड़ा ढंग से बड़ा ये। आज प्रेम बहन के पास जो बहन रहती है ना, कहती तुम्हारी जो इच्छा थी ना महात्माओं को मूली सुनाओ, अभी सुनते हैं। वैसे अच्छा अच्छा कहते थे पर ये जो बुद्धि में बातें बैठे ना, कितनी बड़ी बात है। अब वो उसको राइट समझ के बैठे हैं, ब्रह्मी परमात्मा है, उनको परमात्मा कह दे, बुद्धि में ये रहना चाहिए, ये अच्छी तरह से अंदर होगा तो किस समझा सकेंगे। मैं आत्मा हूँ
बाबा का बच्चा हूं, इन कानों से सुनता हूं, बाबा इस मुख से सुनाते हैं कि मैं परमात्मा हूं, परे ते परे रहने वाला हूं। किसको आता है ऐसी समझ करके, ऐसी बैठ करके, किसी को बैठ करके समझा करके बेचारे का उद्धार करें? बड़े धीरे धीरे बैठ के उद्धार तो ऐसे ही होगा ना। परे ते परे रहने वाला हूं, तुम भी परे ते परे रहते हो परंतु तुम जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूं। तुमने अभी अपने 84 जन्मों को समझा है, बाप के पात्र को भी समझा है। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, बाकी एरेंट एजेंट में आने से मैली बन जाती है। इतनी छोटी सी आत्मा में सारा ज्ञान है। बाप भी इतना छोटा है ना, पर उनको परम आत्मा कहा जाता है, वह ज्ञान का सागर है, तुमको आकर समझाते हैं। इस समय जो तुम पढ़ रहे हो ना, इस समय जो तुम पढ़ रहे हो, कल्प पहले भी पढ़ा था, जिसे तुम देवता बने थे, तुम्हारे में से। अभी फिर से क्या सुनो, सावधानी। कल्प पहले भी पढ़ा था, अब भी पढ़ रहे हो, जैसे तुम देवता बने थे, फिर तुम्हारे में से सबसे खोटी तकदीर उनों की होती है जो पतित बन अपनी बुद्धि को मलिन बना देते हैं। क्योंकि उनमें धारणा नहीं हो सकती, दिल अंदर खाता रहेगा, औरों को कह न सके पवित्र बनो, अंदर समझते हैं पावन बनते बनते हमने हार खा ली है, कई कमाई सारी चट कर दी है। फिर बहुत समय लग जाता है, एक ही चोट से घायल कर देते हैं, रजिस्टर खराब हो जाता है। बाप कहेंगे तुम माया से हार गए, तुम्हारी तकदीर खोटी, माया जीत जगत जीत बनना है, जगत जीत महाराजा महारानी को ही कहा जाता है। प्रजा को थोड़ी कहेंगे, अभी दैवी स्वर्ग स्थापन हो रहा है, अपने लिए जो करेगा सो पाएगा। हर एक को अपने लिए पुरुषार्थ कर रहा है, अपने लिए जो करेगा सो पाएगा। जितना पावन बन औरों को बनाएंगे, बहुत दान करने वाले को फल भी तो मिलता है ना। दान करने वाले का नाम भी तो होता है, वहां तो दूसरे जन्म में अल्पकाल का सुख पाते हैं, यहां 21 जन्म की बात है। पावन दुनिया का मालिक बनना है, जो पावन बने थे वही बनेंगे। चलते चलते माया चमाट मार एकदम गिरा देती है। माया भी कम दुस्तर नहीं है, ये भी एक कोई मुली में आया है, बाबा माया को कहो ना मुझे बचावे, माया को मेरे पास। बाबा ने कहा मैं और तुम्हारे पास माया को भेजूंगा, देखूंगा। माया भी कम दुस्तर नहीं है, 8-10 वर्ष पवित्र रहा, पवित्रता पर झगड़ा हुआ, दूसरों को घेरने से बचाया पर खुद गिर पड़ा। तकदीर कहेंगे ना, बाप का बनकर फिर माया का बन जाते हैं तो दुश्मन हो गया ना। खुदा दोस्त की भी एक कहानी है ना, बाप आकर बच्चों को प्यार करते हैं, साक्षात्कार भी कराते हैं, बिगर कोई भक्ति के भी करने की भी साक्षात्कार होता है। जो भक्ति में भी साक्षात्कार नहीं हुआ, भक्ति भी नहीं की, पर साक्षात्कार होता है,
तो दोस्त बनाना, कितने साक्षात्कार होते थे, फिर जादू समझ हंगामा करने लगे तो बंद कर दिया। फिर पिछारी में तुम बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे, आगे कितना मजा होता था, पर वह देखते देखते भी कितने कट हो गए। भट्ठी से कोई ईंटें पक्की होकर के निकली, भट्ठी जो बाबा ने चुराई ना, कोई भट्ठी से ईंटें पक्की होकर के निकली, कोई कुछ कच्ची रह गई, कोई तो एकदम टूट पड़ी। कितने चले गए, अभी वे लखपति करोड़पति बन गए हैं। जो चले गए ना, वो लखपति करोड़पति बन गए हैं, समझते हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। अब स्वर्ग यहाँ कैसे हो सकता, स्वर्ग तो होता ही नहीं दुनिया। बाबा और कुछ ख्याल नहीं आता है, जाके थोड़ा पैसा तो कमा के यज्ञ में भेजेंगे। बाबा को यज्ञ में भेजेंगे, पैसा कमाएंगे। अरे क्या बुद्धि, कोई कहते बाबा लॉटरी में थोड़ा पैसा कमा के यज्ञ को भेजे, बुद्धि पता नहीं कैसे ऐसी बातें करते हैं। माया बातें ऐसी सिखाती है। अच्छा, रैम दिल बन परना और पढ़ाना है। कभी भी किसी आदत के वश हो अपना रजिस्टर खराब नहीं करना है। दूसरा, मनुष्य से देवता बनने के लिए मुख्य है पवित्रता। इसलिए कभी भी पतित बन अपने बुद्धि को मलिन नहीं करना है। ऐसा कर्म न हो जो अंदर दिल खाती रहे और पश्चाताप करना पड़े। वरदान, प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले, प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभचिंतक और शुभचिंतक भव। यह ना बाबा को प्रत्यक्ष करना है तो क्या करना है, शुभचिंतक शुभचिंतक। सेवा में सफलता का आधार है शुभ चिंतक वृत्ति, क्यों आपकी यह वृत्ति बड़ी गहरी बात है। आपकी यह वृत्ति आत्माओं के ग्रहण शक्ति व जिज्ञासा को बढ़ाती है। कान तो हाँ करो बरोबर, अच्छा जैसे सुनते ही नहीं है, पता नहीं क्या है। आपकी ये वृत्ति आत्माओं के ग्रहण शक्ति, ये जो इतनी ऊंची बातें, ग्रहण शक्ति जिज्ञासा को बढ़ाती है, बरोबर है। कान दे नहीं रहा तो क्या करे। इससे वाणी की सेवा सहज सफल हो जाती है और स्व के प्रति, अटेंशन प्लीज, स्व के प्रति स्वचिंतन करने वाले स्वचिंतक आत्मा सदा माया प्रूफ, किसी की भी कमजोरियों को ग्रहण करने की, किसकी भी कमजोरियों को ग्रहण करने की व्यक्ति व वैभव के आकर्षण से प्रूफ हो जाती है। इतना स्वचिंतक हो, प्रूफ रहे, तो जब यह दोनों वरदान प्रैक्टिकल जीवन में लाओ
तब प्रत्यक्षता का समय समीप आवे। स्लोगन, अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो। समर्पण माना संकल्पों को अर्पण कर दो तो सर्व कमजोरियां स्वतः दूर हो जाएंगी। ओके, ओम शांति। आज धोबी घाट पर बाबा ने कपड़ों को अच्छा भट्ठी में चराया, सटका भी लगाया, तो बाबा कहता था फिर कोई कपड़ा फट न जावे इसलिए संभालना पड़ता है, बड़ा कमजोर कपड़ा, पर एक मैल तो निकल जाए धुलाई करने में। धोबी घाट पर बड़ा बाबा बैठा था।